हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान योनि में दर्द होना क्यों होता है और आप क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, योनि में दर्द होना बहुत ही आम समस्या है जो अधिकतर महिलाओं को होती ही है। कुछ को प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में होती है, कुछ को आखिरी सप्ताह में होती है और कुछ को प्रेगनेंसी की पूरी तीनों तिमाही के अंतराल चलती ही रहती है। ये क्यों होती है? देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान योनि की में दर्द होना, कभी कभी चुभने जैसा लगना या फिर दर्द लगातार चलना या काटने जैसा लगना एक आम ही समस्या है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आई हूँ और उम्मीद करूंगी दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों नीचे दिए गए रेड बटन को जरूर दबाइएगा और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, योनि में दर्द क्यों होता है? देखिए, शुरुआती दिनों में अगर आपकी योनि में दर्द हो रहा है हल्का हल्का सा, तो ये हो सकता है कि आपका जो बच्चा है प्लांटेशन के दौरान जब आपका भ्रूण आपके गर्भाशय की दीवार पर चिपकता है तो उस समय क्या होता है कि आपका गर्भाशय थोड़ा सा बड़ा होता है तो उस समय आपके योनि पर हल्का हल्का सा दर्द होता है। एक तो इसका कारण होता है ये। दूसरा होता है गर्भाशय के बड़े होने पर, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो आपका गर्भाशय अपनी जगह बनाता है और गर्भाशय का साइज बड़ा होता है तो आपके योनि में दर्द होना शुरू हो जाता है और हल्का हल्का आपको दबाव महसूस होता है। तीसरा होता है दोस्तों संक्रमण। अगर आपकी योनि में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, जिसे हम कहते हैं यूटीआई, जो प्रेगनेंसी में होना बहुत ही आम है, ये इन्फेक्शन होने पर भी योनि में दर्द होता है, तो अगर आपको यूटीआई की समस्या लग रही है तो ऐसे में तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि ये संक्रमण आपकी योनि से होते हुए आपके बच्चे तक पहुंच जाए। तो उसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना होगा और यूटीआई से बचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होगा। एक होता है दोस्तों कि गर्भाशय ग्रीवा का जो फैलाव होता है प्रेगनेंसी के दौरान होता है, जिसके कारण आपके पेट के निचले हिस्से और योनि में आपको दबाव महसूस होता है और आपको दर्द महसूस होता है, तो इसके कारण भी आपको योनि में दर्द हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा हार्मोन्स चेंज होते हैं। हार्मोन्स चेंज होने के कारण आपके योनि के आसपास बहुत ज़्यादा सूखापन आ जाता है तो उस सूखापन होने के कारण भी आपको योनि में दर्द की समस्या हो जाती है। एक होता है दोस्तों कि आपकी पेल्विक बोन, जैसे जैसे आपका डिलीवरी का समय नज़दीक आता है, आपका बच्चा हेड डाउन करता है, पेल्विक बोन पर दबाव बनता है और बच्चे का साइज इंक्रीज होने पर आपके जो पेट में आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपनी जगह चेंज करते हैं और उनका जो दबाव है आपके योनि पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके कारण भी आपको अपनी योनि में दर्द महसूस होता है, बच्चे के हेड डाउन करने पर भी आपको दर्द महसूस हो सकता है। तो ये तो हुए दोस्तों कुछ कारण। अगर 37वें हफ्ते के बाद आपको बच्चे का आपको योनि में दर्द महसूस हो रहा है तो इससे आप समझ सकती हैं कि आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है, तो अब आपको अगर योनि में दर्द हो रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ सॉल्यूशंस की। सबसे पहले तो बाईं करवट सोइए। बाईं करवट सोने से क्या होता है कि आपके शरीर में रक्त का संचार बहुत ही अच्छे से होता है, आपके बच्चे तक ऑक्सीजन बहुत अच्छे से जाती है, बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है और आपको योनि में दर्द की समस्या से भी काफ़ी आराम मिलता है। दूसरा है कि आप लंबे समय तक एक ही जगह पर ना खड़े रहें, क्योंकि लंबे समय तक एक ही जगह पर खड़े होने के कारण आपकी योनि पर दबाव बनता है और आपको ऐसा लगता है कि नीचे से कुछ निकल जाएगा या फिर अभी ऐसा लगेगा कि बच्चा, जैसे कि अभी बच्चा बाहर निकल जाएगा, तो ये दबाव बनता है योनि पर। तो आपको लंबे समय तक एक ही स्थान पर खड़े हुए नहीं रहना है, आप पैरों को थोड़ा सा ऊपर करके थोड़े थोड़े समय बाद बैठ जाइए, इससे भी योनि पर दबाव कम होता है और आपको दर्द में काफ़ी आराम महसूस होता है। कीगल एक्सरसाइज इसमें बहुत ही फायदेमंद होती है, तो आप अगर आप स्वस्थ हैं, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, तब आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्विमिंग, योगा और व्यायाम सभी इसमें बहुत ही फायदा करते हैं। आधे घंटे की वॉक जरूर कीजिए अगर स्वस्थ हैं तो। अगर डॉक्टर ने मना किया है, लोअर प्लेसेंटा है या कुछ भी ऐसी समस्या है, तो भूल कर भी ज़्यादा व्यायाम आपको नहीं करना है।
पानी अच्छे से पीजिए, संक्रमण होने पर आपको पानी बहुत मदद करता है। नारियल पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, नॉर्मल वाटर पीजिए, जिससे कि टॉयलेट आप बहुत ही अच्छे से बार बार जाएं और आपको यूटीआई की समस्या हो ही ना। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। योनि में दर्द में हल्के गर्म पानी की सिकाई भी बहुत ही फायदा करती है, तो आप चाहें तो एक टब में थोड़ा सा गर्म पानी कर लीजिए गुनगुना, ज़्यादा तेज नहीं करना है क्योंकि वो अच्छा नहीं माना जाता है, तो उसमें भी आप बैठ सकते हैं, ये भी आपको काफ़ी राहत महसूस करा सकता है। और अगर कोई अच्छा ट्रेनर है, अच्छी मसाजर है, तो उससे आप मसाज ले सकते हैं पैल्विक बोन की, इससे भी काफ़ी राहत महसूस होती है, तो आप ये भी कर सकते हैं। बाई करवट सोना है, तब पैरों के नीचे तकिया लगाना है, हमेशा जब भी बैठे चेयर पर पीछे की तरफ होकर बैठें, पैरों को ऊपर की तरफ रखें जिससे पेट पर दबाव कम पड़े, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे ना, आपको इस तरह की कोई भी समस्या होगी ही भी नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि आप सब कुछ नॉर्मल है और चल रहा है, लेकिन जो आपका योनि में दर्द है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको बिना देरी के डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, क्योंकि हो सकता है फिर कोई गंभीर संक्रमण होने का भी समस्या हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू, नमस्कार।